बाइक लेना है उधर होगा मैडम मैम मैम यो Thank you.
A gola also we want. No, I have to. Okay. Wait. लवली समर मॉनसून और इससे ज्यादा अच्छा कुछ हो नहीं सकता. दिस इज आवर चाइल्डहुड फेवरेट. सो समर में आप और क्या-क्या पसंद करते हैं समर की बात करें? Summer, it's about mangoes, it's about nimbu, it's about ruvza, it's about fruit, ice, nimbu pani. Attire ke baare mein kya kehna chahenge? Humne dekha bahut hi dhyan se. Well, main Payal ki bahut main Payal ko bahut admire karti hu as a entrepreneur and as a designer. And every time she comes out with a new collection, because she's a friend and because I love her clothes, I'm always here unko sahara dene ke liye. And today she's showcasing all her new summer prints. तो मैंने भी उनका ही रेंज से एक आउटफिट पहना हुआ है एंड आई एम रियली हैप्पी दैट आई कुड कम एंड सपोर्ट हर. अटोसा इज ऑफ कोर्स द प्लेस वेयर यू फाइंड ऑल द बेस्ट यू नो लेटेस्ट डिजाइंस. सो या जस्ट हियर टू सपोर्ट हर. मेरे मुंह में घर आ रहा तो नहीं लग रहा है? नहीं पक्का रहा. हां उसके रोल है. सॉरी वन सेकंड. I actually am a very big fan of Payal Singhal and her prints. I think that she comes up with some beautiful summery prints, and I just bought a little bag which is one of my favorites actually. It's really cute. And I think everyone should come and check it out at Atosa. Nice fabrics, light for summer, comfortable. Summer season bhi hai to gola bhi hai samne. Aapne try bhi nahi kiya? Nahi. मैं अभी जिम जा रही हूँ. नो गोला फॉर मी टुडे. तो समर सीजन फिटनेस के बारे में कुछ बताना चाहो, किस तरह से फिटनेस पे ध्यान देना चाहिए समर सीजन में स्पेशली? आई थिंक मेन चीज़ है कि आपको मेक श्योर यू ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर. यू नो आई थिंक मेक श्योर यू ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर, स्टे हाइड्रेटेड एंड डू व्हाट्स कंफर्टेबल फॉर यू, बट मेक श्योर यू वर्क आउट एवरी डे. इट्स इंपॉर्टेंट. थैंक यू.
के बारे में आपने खुद एक्सप्लोर किया है? आई थिंक इस बार पायल सिंघल ने बहुत ही अच्छा समर के लिए बहुत ही कूल अटायर बनाया है क्योंकि उन्होंने ये क्रेप फैब्रिक यूज़ किया है जो बहुत ही हाई क्वालिटी क्रेप है एंड आई लव इट क्योंकि वो बदन पे ऐसे चिटक नहीं रहा है. बॉम्बे में इतनी ह्यूमिडिटी है कि यू नो इट गेट्स वेरी स्वेटी एंड इकी, मगर ये फैब्रिक बहुत ही कूलिंग है एंड आई लव द प्रिंट्स. बहुत ही समरी है एंड आई थिंक इन द समर यू शुड वेयर फ्लावर्स. समर में किस तरह के अटायर पसंद करती हैं? ऐसी तरह की अटायर पसंद करती हूँ मैं समर में जो बहुत ही लूज रिलैक्स्ड कंफर्टेबल है एंड या काफ़ी समय से देखा जा रहा है आप फिटनेस पे काफ़ी ध्यान दे रहे हो तो फाइनली अब एक्स भी आने दिखने लग गए इंस्टाग्राम पे. मेहनत लगती है? आई थिंक सबसे ज़्यादा मेहनत आपकी डाइट पे लगती है. फिटनेस वर्कआउट सब कर सकते हैं लेकिन जो अपने मन को कंट्रोल करके यू नो डाइट पे ध्यान देंगे क्योंकि विदाउट अ गुड डाइट यू कैन नॉट गेट दी एब्स. पॉसिबिलिटी नहीं है. अगर कोई आपको बोलेगा कि आप पूरी भाजी खा के एब्स बना सकते हो तो वो झूठ बोल रहे हैं. आपको बहुत ही स्ट्रिक्ट बनना पड़ता है. आपको अपना खाना लिटरली वे करना पड़ता है. यू नो जैसे पोर्शन साइज कंट्रोल करना पड़ता है, वज़न लेना पड़ता है कि कितना खाना खा रही हूँ, कितने ग्राम्स प्रोटीन खा रही हूँ. एंड जब तक आप उतना ध्यान नहीं दोगे किसी भी चीज़ पे आपको परफेक्शन नहीं मिलेगा एंड दैट्स व्हाट आई वांटेड टू अचीव परफेक्शन. सो यू हैव टू डू द वर्क. अनिशा काजल एक इनक्रेडिबल टू में अपनी आवाज़ दे रही, तो आपने मूवी देखी मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इनक्रेडिबल्स टू देखने के लिए. काजल ने मुझे कहा था कि वो ये वाइफ का कैरेक्टर में आवाज़ देने वाली है और मैंने जो एड देखा है बहुत ही एक्साइटिंग है. सो आई कांट वेट टू सी द फिल्म. सो प्लीज़ गाइस प्लीज़ गो वॉच द फिल्म. थैंक यू.